जहन में बिठाने में हर बार सफल होते हैं, पर इसमें ज़रूरी ये है कि हम सब एकजुट रहें और उतने ही प्रतिरोध में खड़े रहें इनके, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो चुप्पी है, ये चुप्पी ही सबसे ज़्यादा हमें तंग करती है कि अभी तक केंद्र सरकार से लेके कहीं से भी लेके इस पर कोई कंडेमेशन नहीं आता है, और कैसे पूरी मीडिया साइलेंट है इस पर कि अभी पूरी मीडिया में क्या चल रहा है कि ये गुजरात इलेक्शन चल रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है बीजेपी के नरेंद्र मोदी स्पीचेस दे रहे हैं, उनके लीडर स्पीचेस दे रहे हैं। पर दोस्तों ये चीज़ें गुजरात इलेक्शन से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार गुजरात इलेक्शन में गुजरात इलेक्शन हो रहे थे कि गुजरात का जो उनका मोदी का डेवलपमेंट मॉडल है उस पर, इस बार मुद्दे थे GST, इस बार मुद्दे थे डीमोनेटाइजेशन, इस बार मुद्दे थे कि किस तरह ऊना में दलितों को मारा जाता है, वीडियो सर्कुलेट करी जाती है, इस बार वो पोलराइजेशन करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तो वो आज क्या करते हैं, हम ये चीज़ें सारी कनेक्टेड ही हैं कि VHP का स्टेटमेंट 5 दिन पहले आता है कि आप हिंदू लड़कों को मुसलमान लड़कियों को एलूर करना चाहिए, उनको उनसे शादी करनी चाहिए, और दूसरी और हम देखते हैं उसके बाद ये घटना होती है किस तरह स्टेट इम्प्यूनिटी इन्जॉय करते हैं। हम देखते हैं पहले कि जो हत्यारे थे, जो जुनैद के हत्यारे थे जो, और वो सब थे, वो कुछ ही दिनों में बेल पे बाहर आ जाते हैं और ऊंचे पदों पर बैठते हैं इन लोगों के। हम ये भी देखते हैं कि गुजरात इलेक्शन में पिछले 1-2 दिन से क्या हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जैसे कल एक BJP MP रवि कटियार का स्टेटमेंट आता है कि जामा मस्जिद भी पहले किसी माता का मंदिर था, तो हम ये देखते हैं ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट बीजेपी में गुजरात में फिर से पोलराइजेशन करने के लिए आ रहे हैं कि किसी तरह पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम का वापस हो, और किसी तरह ये वापस सत्ता में आ सके। हम देखते हैं कि पिछले 1-2 दिन में ही अभी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उसमें बोला जाता है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कि हमने एक बाबरी को तो डाई दिया है, अब कहीं ना कहीं जामा मस्जिद को भी देख रहे हैं। और हम देखते हैं किस तरह से एक डर का माहौल है पूरे देश में कि किसी भी मुसलमान को, किसी भी दलित को किसी तरह उठा के मार दिया जाता है, वीडियो बनाई जाती है और बोलते हैं यही हम आपका आश्रय करेंगे। और इसमें गौर देने वाली बात यह है कि उस इंसान का कोई पर्सनल वो नहीं था, रिवेंज नहीं था, उसने बोला जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं हमारे देश में वो सारी मेरी बहनें हैं, और अगर ऐसा अभी कभी आगे होएगा कि कोई भी ऐसे इंसिडेंट करेगा तो उसका यही असर होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को जो ये केंद्र सरकार की चुप्पी है और जो रवैया है और जो स्टेट इम्प्यूनिटी ये इंजॉय कर रहे हैं, हम इनको कड़ी से कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और हम इनको बताना चाहेंगे कि ये जो JNU में भी शायद ये बहुत ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि आप पेरियार में इसमें खाना खाइए, आपको पता है किस तरह के कमेंट्स आते हैं, आप यहाँ माही मांडवी के सामने से जाइए, आपको दिखेगा किस तरह का एक हेटरेट दिखती है और किस तरह के कमेंट आते हैं, और कैसे ये लोग इसको इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसको इनको लगता है कि शायद वाइस चांसलर इनका एक आ गया है, एक इनका VC आ गया है, इनके कुछ लोग यहाँ पे, इनकी सरकार आ गई है, तो इनको लगता है यहाँ पे भी ये कुछ भी कर सकते हैं। कि किस तरह हम भी देखते हैं कि हमारी स्पेसेस को किसी तरह कितनी कर्व करा जा रहा है, कि कम्युनलिज्म के खिलाफ बोलना भी कम्युनल वायलेंस इंसाइट कर सकता है। VC साहब एक सर्कुलर निकालते हैं और कहते हैं यहाँ पे कोई टॉक नहीं होगी, शेम। ये हम बताना चाहेंगे कि दीज आर आवर हार्ड अर्न्ड स्पेसेस, कि और ये बहुत ज़्यादा निरंतर स्ट्रगल के बाद ही हमने ये स्पेसेस जो है आज ये हमें मिली है, और हमें इसी तरह छोड़ने वाले नहीं है कि आप कल को कहेंगे कि हमें गौरक्षा के नाम पे भी अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं उसके लिए भी नोटिस आ जाए, तो आप नोटिसेस दीजिए, पर हम भी अपना रेजिस्टेंस उतना ही स्ट्रांग रखेंगे। और आज इसी के लिए इसको बहुत, जो कल की घटना थी बहुत ही शर्मनाक घटना थी, और हम इसको कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और आज इसी के लिए हमने BJP गवर्नमेंट का और RSS का एक FEG वार्निंग कॉल करा है, और उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, फिर आप अपनी बात रखें।